पानी ठंडा है बिल्कुल ना, पूरा प्रेशर से आ रहा है। तो अभी दोस्तों मेरे को विलेज के ये भाई मिल गए थे और अभी मैं इनके साथ जा रहा हूँ और ये कह रहे थे कि आपको यहाँ पे जगह बताएंगे टेंट के लिए कौन सी बेटर रहेगी। तो अभी मैं इन्हीं को ही फॉलो कर रहा हूँ और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हैं मैंने अभी तक जो देखा है। तो यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन कुछ लग रही, तो चलो चलते हैं देख के। और खाना भी मेरे को यहीं प्रोवाइड करवा देंगे तो सही रहेगा मेरे लिए। ये जो भाई हमें ले कर आए हैं अपनी ही ज़मीन पर ले कर आए हैं और यहाँ से आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और जस्ट शाम बस सब होने ही वाली है। यहाँ पे जो झील कैफे है वो किस साइड है? झील कैफे तो रिवर फॉलो करेंगे ना तभी आएगा ना इधर, ये यहाँ थोड़ी आएगा, रिवर तो इस साइड अंदर है ना। रिवर स्टेज की साइड है, मतलब ऊपर ऊपर तो ऊपर तो बड़े दूर है, ऊपर तो पानी भी नहीं मिलेगा पीने के लिए। तो ये जो मेरे को ये बताओ कि ये जो झील कैफे की तरफ जो मैं रुक गया था, ठीक है, ऊपर बर्फ भी पड़ी हुई है, ऊपर गया पूरे बड़े बड़े पत्थर है, वो कहाँ को गया रास्ता? आप कहीं भूल गए होंगे। हाँ शायद ऐसा। तो झील कैफे की उस साइड पार करना पड़ेगा ना, झील कैफे क्रॉस करना पड़ेगा, लेफ्ट में जाना पड़ेगा ना। हाँ। आप राइट में गए होंगे सीधे ऊपर से। मैंने देखा कि ये इतने ऐसा ट्रैक है, मेरा रास्ता खत्म हो गया है। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे कैंपिंग की डेस्टिनेशन चूज कर ली है और यहीं पे भाई मेरी हेल्प करवा रहे हैं इसको, इसके लिए मैं भी आऊँगा वहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 360 व्यू इस लोकेशन का कुछ ऐसा है और सनसेट बिल्कुल होने वाला है और मैं टाइमली यहाँ पे आ चुका हूँ। तो चलो देखते हैं, कुछ भाई से भी बातें करेंगे और उससे पहले अपना कैंप रेडी कर लेते हैं। तो देखो भाई अपना कैंप अब रेडी हो गया, मैं आपको बताता हूँ अंदर से। तो यहाँ से मैंने कुछ इसकी ऐसे यहाँ पे जाली भी लग जाएगी, तो अपना मैंने सारा बैग पिलर विल्लो अपना स्लीपिंग बैग लगा के पूरा इसको रेडी कर दिया। और ये आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है और शाम भी अभी होने जा रही है तो टाइम से पहले ये लग गया है सब कुछ। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ हो रहे हैं और हो कुछ और जाता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। तो अभी भैया अभी नीचे गए हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि उनकी लैंड में मैंने ये कैंप लगाया हुआ है, तो वो कह रहे थे कि आपका खाने का भी अरेंज कर देंगे रात को, क्योंकि उनके घर यहीं पर हैं और अभी वो बोनफायर के लिए लकड़ी लेने गए हैं। तो सही रहा यार, एक्सपीरियंस मेरा आना वर्थ इट रहा यहाँ पे और यहाँ पे के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यार मैं थोड़ी लाइटिंग की उससे पहले एक्सेसरीज निकाल लेता हूँ अपनी, क्योंकि बाद में अंधेरा हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे अपना रात का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और बोनफायर की तैयारी हो रही है। थोड़ी ज्यादा ऐसे लगेगा कि इधर कहीं लॉस ही हो गया, पता नहीं कहाँ गया है। कहाँ पे जो नीचे जैसे ऐसे लगता है कि जैसे समुद्र में नहीं होता कि ऐसे नीचे चला जाता है। सो अभी ये जो मैं स्ट्रेचेबल वायर लेके आया हूँ इसको यहाँ पे मैं फिक्स करूँगा, इसको बाहर निकाल लेता हूँ। सारे दिन की मशक्कत के बाद मैं फाइनली अपने कैंप के बोनफायर पे पहुँच ही गया। तो फिर मेरे को यहाँ पे लोकल लोग मिले तो उन्होंने कहा कि आप यहीं पे अपने हमारी लैंड पे कैंप कर सकते हो। उसके बाद ये हुआ कि अभी वो आए थे, अभी बोनफायर हमने जलाया अभी, तो अभी वो मेरे लिए खाना लेने के लिए गए हैं। तो अभी आग थोड़ी सी बुझ गई हुई थी, अब मेरे को थोड़ा दोबारा लकड़ी इस पर डालनी पड़ी, तो अब ये सही जली है। तो बस अभी धीरे धीरे इंतज़ार हो रहा है और वो भाई गए हैं अपने लिए खाना वाना का इंतज़ाम करने के लिए। वो कह रहे थे कि मैं घर से लाता हूँ, तो मैं सोचा कि तब तक उनकी वेट कर लूँ एंड देन उन्हीं के साथ ही खाएंगे अपना खाना। तो अभी शाम के बजे में 7 और भाई अपना गए हैं खाना लेने के लिए और अभी मैं उनकी वेट ही कर रहा था यहाँ पे। उतने मैंने अपने लाइट वाइट कैंप में जलाई है और अंदर जाके जब मैं सोऊंगा तभी इसका सेटअप करूंगा और ये मेरे को ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन मिल गई है यहाँ पे। अपना खाना आ गया, तो इसको ना आप ऐसे करो खोल ही दो मेरे को इसके। ओके तो भाई ये सीन है अपना,
ये ले लो बैठने के लिए नीचे। हाँ यार मैं देखा था तेल लगा उसको थोड़ा ना साइड में। अब सही है यार, बैठने के लिए लाने के लिए भूल गया यार मैं। चलो कोई नहीं, बाकी मिर्ची में लाया नहीं मैं, बोला भाई मिर्ची मिर्ची तो थोड़ा स्पाइसी कर दी इतना। हाँ सही है, अभी तो चलो भाई अभी खाना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद करेंगे बात। ये जो जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो ये कौन सी है? अलग अलग जगह की अलग अलग लैंग्वेज है यहाँ पे, बड़ी ज़्यादा लैंग्वेज है। बो में अलग बोली जाती है लैंग्वेज, यही बो में यही है कहाँ कुछ ऐसी होगी, लेकिन चंबियाली अलग है, ठीक है हमारी साइड अलग है, कांगड़ी अलग है, है ना, मंडी मंडियाली ये अलग है। हाँ जैसे तुम उनसे बात सुन रहे नहीं बोलने में बोलते हैं, समझ भी आता है, बोल भी लेते हैं सब। मातृभाषा के दी भाई हमारे वैसे तो हिंदी है ना हिंदुस्तान में, जो हमारी मातृभाषा कर दी है। अच्छा आपकी आपकी साइड ही करनी है। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने कैंप तक आ ही गया और अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और कल का वीडियो मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा, तो वीडियो में बने रहना। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस लाल बटन को जल्दी से प्रेस कर देना। तो बेसिकली मैं आया हूँ यहाँ पे कैंपिंग करने एक हिमाचल के ब्यूटीफुल विलेज में, जो कि रात का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है। और जो रात को मेरे साथ लोग थे वो अभी दोबारा आएंगे, और अभी मैं सुबह अपना नहाने वाने का देखूंगा थोड़ी देर में, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं कि आज इस वैली में हमने कहाँ पे ट्रैक करना है और कहाँ पे क्या चीज़ एक्सप्लोर करनी है। दोस्तों ये देखो आप साइड देख रहे हो सामने, मैं आपको बताता हूँ जूम करके, ये वाली ये भी कैंपिंग साइट लग रही है मेरे को, बढ़िया सी है, और ये इसके रिवर बैंक के बिल्कुल किनारे है। और ये जो आप देख रहे हो पीला पीला सा, ये है बेसिकली सरसों, जिसका लोग अपना साग भी बनाते हैं और तेल भी यूज़ होता है इसका। और ये है अपने देवदार के वृक्ष। तो दोस्तों अभी तो आ गया था हमारा ब्रेकफास्ट, जो कि परांठे हैं गोभी वाले, और इस व्यू के साथ मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा हूँ, और भाई भी यहाँ से आएंगे थोड़ी देर में अभी, तो चलो देखते हैं क्या प्लान आगे का। तो भाइयों सीन कुछ ऐसा है कि अभी ब्रेकफास्ट पहले हो गया है नहाने से, क्योंकि पानी गर्म होने में थोड़े टाइम लगना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खाना खा लें। और पानी गर्म हो रहा है भाई के घर, जो कि रात को इन्होंने मेरे को खाना दिया था, सुबह भी इवन कि मेरे को उन्होंने खाना दिया है। मैंने ये सोचा कि उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैंपिंग एसेसरीज़ कौन कौन सी मस्त हैं अगर आप एज ए कैंपिंग करने जा रहे हो एज ए बिगेनर। सो चलो देखते हैं क्या रहता है। हाँ तो दोस्तों अभी मैं हो गया हूँ पूरा रेडी, नहा धो के अब आ गया था अपनी कैंपिंग साइट पे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि थर्ड पार्ट में वीडियो का ये बनाऊंगा कि जो यहाँ पे नीचे मेरे को घराट से दिख रहे हैं, और आगे मेरे को कुछ दो कैंपिंग साइट दिख रही हैं, और वहाँ पे कुछ लोग चार पांच लोग कुछ काम कर रहे हैं, पत्थर को तराश के कुछ बना रहे हैं उसका।